तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बोकारो इसको मेजर सर्विस कराने के लिए। पर भैया हमने वही होता है जो जल्दी में मैंने भूल गया, एक्चुअली इसका अपॉइंटमेंट कल था बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मैकेनिक जी हैं वो बोले कि कल हमारा गैप रहेगा, आज ही आ जाओ। तो आज आ रहे हैं, तो जल्दी में इंजन फ्लैशर और बाकी जो कुछ था वो लाना भूल गए, और हमारे जो मॉड्यूल का भी ऑयल है वो हिमांशु भैया ला के देंगे डायरेक्ट शोरूम में ही। तो ये सब थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है, तो लेट्स सी क्या होता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मेरे को याद तो सुबह तक, बट होता ही है ना कि काम करवाना टाइम बीत रहा है ना, इस पर टाइम खाएगा, इस बाइक पे टाइम अच्छा खासा खाएगा। और उन लोग भी फ़ोन किए हमको एकदम रैंडम 10 बजे फ़ोन किए, तो हमको लगा कि लेट ना हो जाए, इस चक्कर में हम सामान आने भूल गए। पता नहीं कस भर भर से आवाज़ आ रहा है, तो मेरे को लगा था वो आवाज़ शायद मोबाइल होल्डर का होगा, उसके लिए मैंने मोबाइल होल्डर फेंक दिया, बट ये आवाज़ कंटिन्यू आ रहा है। 4 साल 6 महीना ये गाड़ी का टोटल उम्र है, उसमें से इसने 2 लॉकडाउन झेला है। उस टाइम मेरे कॉलेज टाइम था, तो उसमें भी मेरे बाइक पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट जब से मैंने यूज़ किया तब से लेकर अभी तक मैं 41,000 किलोमीटर से चल गया विदाउट एनी इशू। और आज जाके इसका एक मेजर सर्विस होगा, अब ये नहीं पता कितना खर्च बैठेगा। टोटल चेंज पॉकेट साथ में सर्विस कराता ना इसको तो 10,000 से ऊपर खर्च हो जाता, बट सही है तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। आप होप सो, मेरा मन था कि इसमें लगाना USD, पर USD लगाने में जानते हो क्या दिक्कत पड़ा था। जी लगाते हो तो चलो भाई तो आराम से लग जाएगा, बट इसका जो मेरा मैक व्हील है वो भी चेंज होगा। मेरे को LIV अगर हम लेते हैं ब्रांड न्यू 7,000 रखता है, अगर चोर मार्केट से या ब्लैक मार्केट से लेते हैं 3,000 में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ अपर टी लोअर टी और ये USD सस्पेंशन अगर ब्रांड न्यू लेते हैं तो 22,000 से समथिंग 22 से 23 के आसपास ये प्राइस जाएगा। ब्लैक मार्केट से लेते हैं तो ये अप्रॉक्स 15,000 आएगा, बट हम उसके उस पर कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो मतलब कितना अच्छा काम करता है नहीं करता है, क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल या फिर चोरी का माल होगा, पता नहीं कब का या कैसे क्या क्या होगा, उसमें भी हमको काम कराना ही पड़ेगा। तो बहुत तरह तरह का इश्यूज़ था, तो हमने सोचा कि जब नया बाइक का प्लान बन रहा है तो इसको प्रॉपर टूरर ही बना के छोड़ेंगे, तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये लगाना बेवकूफ़ी होगा मेरे तरफ से, इसलिए मैंने USD का प्लान ही दिमाग से निकाल दिया। गड्ढे पे रोड है कि रोड पे गड्ढा समझ नहीं आता, दाएं बाएं दाएं बाएं। जब डोमिनर अपडेट करके निकाला गया था तो हम लोग लगा था ये क्या अपडेट कर दिया, कुछ तो किया ही नहीं कंपनी ने, बस USD डाल दिया। लेकिन जब हम वही चीज़ सेम सेटअप अपने BS4 डालने वाले थे तो भाई क्या क्या चेंज नहीं किया कंपनी, क्या बताएं, टी से लेके मैगविल हर एक चीज़ चेंज कर दिया। तो भैया अपडेट कोई भी कंपनी निकालती है तो छोटा ना समझे, वो वाकई में रिसर्च करके निकालती है। यहाँ पर इंजीनियर लोग ने बहुत मेहनत से गड्ढे बनाए हैं ताकि आपका दिमाग मैगविल दोनों टूट जाए। 10:30 o'clock और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। थोड़ा और लेट फोन करते हैं ना, हम चले जाते हैं। कहाँ चल जाते? धन्यवाद। हाँ क्या करना था आपको बताइए, क्या ना प्रोसीजर करवा लिए हैं। तो बाइक अपनी यहाँ खड़ी है और हिमांशु भी आ चुके हैं मोबाइल लेकर के, बड़ा लेट कर दिया लेकिन आने में, पता है कितना देर खा रहे हैं आपके लिए, पूरा 20 मिनट वेट किए हैं आपको फ़ोन कर करके। 10W50। चलिए सही, तो ये रहा अपना बाइक और इस पर हो जाएगा मेजर सर्विस। तो फिलहाल हमको लगता है बाइक में छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होगा भाई आज, तो इसका वेट था और बाकी कुछ और चीज़ें हैं वो आने वाला है। तो फाइनली हमारा इंजन फ्लशर आ चुका है, तो फिलहाल इसको गाड़ी को मैंने ऑन करके कुछ देर रखा था, अच्छा खासा हीट है, इसको डाल करके फिर इसको चला के छोड़ना पड़ेगा ताकि और गाड़ी अच्छा से हीट हो जाए, और जब ड्रेन करेंगे तो ऑलमोस्ट इंजन पूरा क्लीन होना चाहिए जिस तरह का रिव्यू मैंने देखा है। तो लेट्स दाम कौन सा क्या चीज़, बस एक सिंपल लगता है कि पानी है बट ये पानी नहीं है, ये केमिकल है। आप सही जगह है, कुछ वेस्ट नहीं होगा। तो अब बारी है इसको डालने का, सूटर फटाक डाली पड़ी कर दो, डाई डाल दी ये क्या है?
अब हम लोग जा रहे हैं वे टू होम, क्योंकि गाड़ी का सस्पेंशन खोलेगा भाई 3-4 घंटा टाइम लग जाएगा, और बीच में इन लोग का लंच आवर भी होगा। तो अभी ऑलमोस्ट 12:40 हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इन लोग का 2 बजे लंच होता है, तो अभी शाम को 5 बजे को गाड़ी मिलेगा। तो सारा काम तो समझा दिया गया है, और अभी हम लोग चल रहे हैं तो बेहतरीन बाइक, 20 साल मेरा उम्र का बाइक है भाई, असंभव। ये 20 या 22 साल का तो आराम से गाड़ी हो गई, कोई तामझाम नहीं, सिंपल इंजन है, गाड़ी चलाओ, लेट्स सी कितना बिल बनता है। 3 hours later, अब वक्त हो गया ऑलमोस्ट 5 o'clock, और हम लोग चल रहे हैं वे टू बोकारो, कि हम लोग को बाइक रिसीव करना है। और एग्जैक्टली जो पॉइंट से हम लोग बाइक छोड़ गए थे वो है था टाइम सेविंग का, हम लोग बहुत सारा काम भी था घर में, सारा काम निपटा करके अभी जा रहे हैं लेने के लिए। लेट्स सी सारा काम कितना अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ है। तो गए थे किस बाइक में, जा रहे हैं किस बाइक में, तो फाइनली अपना बाइक को मिस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बाइक के बैठ जाते हैं। ये रही अपने जाने मन सोकर, तो लग रहा है कि थोड़ा सा पता नहीं क्या काम हुआ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काम तो हुआ, दाग तो गंदा लगा हुआ है। तेल चेंज लग रहा हुआ है, और गाड़ी फ्रंट से साफ हुआ है, पीछे लगता पानी अभी मारा है, ठीक से साफ भी नहीं किया असल गाड़ी को। तो रुको, तो इसमें एक मेरा गैसकेट हम फाड़ दिए थे, गैसकेट नहीं लगाया साला। तो फिलहाल अब थोड़ा वक्त है इसको चलाने का। ओके, थोड़ा सा हैंडल खिल गया, मतलब पोस्चर को ठीक लग रहा है, पहले क्या तो हल्का बैठ गया था, अब वो बाकी तो गाड़ी चलने में तो कभी शिकायत का मौका हमको दी नहीं है, खासी मेरी गाड़ी डोमिनार, इसको जब चाहे जैसे चले मस्त चलती है। परफेक्ट, पर मक्खन जो था ना बटर वाला मक्खन, वो गाड़ी भी हो गया है, क्योंकि हैंडल खुला तो हो सके हमको लग रहा है पोस्चर थोड़ा सा हैंडल के मेरे तरफ आ गया है। बहुत स्मूथ भाई, बाइक हो तो वैसी हो। मैं जब इसको चलाता हूँ ना उसके बाद मेरे को 390 में आते हैं तो मुझे डरने लगता है कि इतनी स्टेबल और इतना स्मूथ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 390 में इस तरह करेंगे तो पूरा गाड़ी हिले हिले लोगे। बट और राजा गाड़ी जा रहा है टेस्टिंग में, तो फाइनली अब गाड़ी हो गया पूरा टन टनाटन ओके। तो अप्रॉक्स इसमें 3000 तक का लमसम खर्चा बैठा है भैया, क्योंकि मेरा 1100-1200 का तो इंजन ऑयल है, और बाकी छोटा मोटा जो जनरल सर्विस होता है उसमें 400 रुपये लेबर कॉस्ट और हैंडल वंडल ये सब चीज़ के अलग अलग चार्जेस लगते हैं, तो उसे मिला के अप्रॉक्स 2000 तक का खर्चा हुआ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो को यहीं करते हैं ना, होप सो आपको देखने में ज़्यादा मजा आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ना बोले, तो मिलते हैं इस तरह को नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।